अगर आपको भी ऐसी अपनी फोटो से बैकग्राउंड रिमूव करना हो विद जस्ट वन क्लिक, देन हेयर आर थ्री इजीएस्ट वेज फॉर यू, जिसे यूज करके आप अपनी फोटो से बैकग्राउंड बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हो। सो नंबर फर्स्ट इज पेंट 3D। पेंट 3D कोई वेबसाइट नहीं है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जो विंडोज 10 में फ्री आता है। एंड अगर आपके विंडोज में ये नाश हो रहा हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पेंट 3D ओपन कर लेते हैं एंड फिर हम न्यू पे क्लिक करते हैं एंड देन हम मेन्यू में जाते हैं एंड ब्राउज फाइल्स पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो मैं अपने एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो मैंने अपने एक फोटो अपलोड कर दिया है एंड देन हमें क्लिक करना है मैजिक सिलेक्ट पे। तो मैजिक सिलेक्ट में वो एरिया पूछता है जो आपको सिलेक्ट करना है, जिससे आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो हम इसको अपनी फोटो के अराउंड कर देते हैं एंड अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा मैजिक सिलेक्ट से एरिया सिलेक्ट हो गया, बट अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलेक्ट नहीं हुई। आप देख सकते हो मेरा हाफ पोर्शन अभी भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो अब हम ऐड पे क्लिक करते हैं एंड अपना वो एरिया सिलेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा वो एरिया भी सिलेक्ट हो गया एंड इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको कोई चीज़ रिमूव करनी होता वो भी कर सकते हो। तो मैंने इसे ऐड से सिलेक्ट कर दिया एंड नाउ मैं डन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड से अपनी इमेज रिमूव कर ली है एंड बहुत अच्छे से हुई है। तो इसको हम पहले थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं एंड अपना बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं। तो हम इसे साइड पे कर लेते हैं एंड सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड ये पूरा बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमने बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया फिर डिलीट पे प्रेस कर देना, नहीं तो राइट हैंड साइड पे आपके पास डिलीट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही हम करते हैं तो हमारा पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हमने जो रिमूव करी थी हम उसे यहाँ पर ले आते हैं। तो आप देख सकते हो हम इसे यहाँ पर ले आए एंड बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसे सेव एज करेंगे, देन इमेज पे क्लिक करेंगे, देन हम जेपेग को PNG पे क्लिक करेंगे एंड ट्रांसपेरेंसी ऑन करेंगे, तभी हमारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव होगा। तो आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया एंड इसे हम सेव कर देंगे। तो हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, पेंट 3D सेव। तो हमारी इमेज से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप देख सकते हो अनटाइटल्ड पेंट 3D इसका बैकग्राउंड रिमूव्ड है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप उसके अंदर ठीक कर लेना, ये हल्की सी जो फिनिशिंग है ये आप ठीक कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स कम टू द सेकंड मेथड, वो है हमारा remove.bg। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इमेज अपलोड करनी है एंड ये आपका बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। तो हम इसके अंदर इमेज अपलोड कर देते हैं एंड आप देख सकते हो कि इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि हम इसके अंदर HD में अपनी इमेज डाउनलोड नहीं कर सकते, तो इसके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो जाती है। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड मेथड, तो ये है हमारा फोटो रूम। तो जब आप photoroom.com/background-remover ओपन करोगे तो इसके अंदर भी आपको इमेज अपलोड करनी है एंड ये आपकी बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। बट इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि इसके अंदर थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी आ जाती है remove.bg से एंड इसके अंदर हम बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड हम remove.bg में भी लगा सकते हैं बट उसके अंदर क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है। इसमें मुझे क्वालिटी डाउन होती है बट एज कम्पेयर टू remove.bg मुझे क्वालिटी थोड़ी सी सही लगती है। तो इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है, हम बैकग्राउंड लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मल्टी कलर कर सकते हैं एंड आप देख सकते हो एप्पल पे और गूगल पे इसकी ऐप भी है एंड आपको इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कैची इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर या कोई भी प्रोफाइल पिक्चर बनाना सीखना हो तो वीडियो मैंने मेंशन कर दिया है, आप वो भी देख सकते हो।